स्वागत बंधन बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरओ भाग 2 के अंतर्गत जो पाठ हमने पढ़ा है आज उनके प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं आरओ भाग 2। बच्चों जैसे आप जानते हैं हमने आपको गद्य खंड के अंतर्गत भक्तिन महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित इस पाठ को मैंने बहुत अच्छे से इसके सार को बहुत अच्छे समझाया था और पढ़ाया था। आज हमने उस सार के किस अर्थ को किस प्रकार ग्रहण किया, उससे कौन कौन से हमारे प्रश्न समझ में आए, आज हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे ये दिए हैं अर्थ ग्रहण संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे गद्यांश के पाठ और लेखक या लेखिका का नाम क्या है, तो पाठ का नाम है भक्तिन और लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। दूसरा, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, उस नाम का अर्थ क्या है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था, इसका अर्थ समृद्धि और संपत्ति का सूचक है। फिर है लेखिका भक्तिन को समझदार क्यों मानती है। भक्तिन अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती, लेकिन लेखा अनुसार जीवन में प्राय सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, इसी कारण वह भक्तिन को समझदार मानती है। फिर भक्ति ने ईमानदारी का परिचय किस प्रकार दिया, उसने लेखिका से क्या निवेदन किया। भक्ति ने नौकरी की खोज में अपना वास्तविक नाम लेखिका को बताकर ईमानदारी का परिचय दिया, उसने लेखिका से निवेदन किया कि वह कभी भी उसके काम उसके नाम का उपयोग नहीं करे। फिर है भक्ति की नौकरी की खोज में क्यों आई भक्ति नौकरी, तो भक्ति के पति की क्या हो गई थी मृत्यु और पारिवारिक सामाजिक विषमताओं के उसके समक्ष चुनौतियां खड़ी कर दी थी। एक बार उसे भूमि का लगान समय पर ना चुकाने का अपमानित होना पड़ा था, इसी कारण वह नौकरी की खोज में आई। भक्तिन की सास ने उसके पति की मृत्यु की सूचना क्यों नहीं दी। भक्तिन की सास ने उसके रोने पिटने अपशकुन समझती थी, इसी से बचने के लिए उसने उसे पिता की मृत्यु की सूचना नहीं दी, अपितु यही कहा कि वह बहुत दिनों तक अपने मायके नहीं गई, सो जाकर देखा है। अपने मायके में पानी पिए बिना भक्तिन वापिस अपने ससुराल क्यों लौट पड़ी। अपने मायके पहुंचने के बाद उसे पता चला उसके पिता का निधन हो चुका है, उसके साथ ही उसकी सौतेली माँ ने थोड़ा सा शिष्टाचार नहीं दिखाया, इसी कारण वह मायके में पानी पिए बिना ही वापिस अपनी ससुराल लौट पड़ी। भक्तिन के पति के बड़े भाई और उनके लड़के ललायत क्यों रहते थे। भक्तिन परिश्रमी महिला थी, उसके निरंतर प्रयास के फलस्वरूप घर में आर्थिक समृद्धि थी, इसी कारण उसके हरे भरे खेत मोटी ताजी गाय भैंसे फलों से लदे पेड़ देखकर भी ललायत रहते थे। भक्तिन की संपत्ति उसके जेठ पुत्र क्यों प्राप्त और किस प्रकार मतलब संभव था। भक्तिन किसी भी दशा में अपने संपत्ति उन्हें देने को तैयार नहीं थी, वे केवल उसी दशा में ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकते थे, इसीलिए यदि भक्तिन अपनी दूसरी शादी कर लेती। फिर भक्तिन अपनी दूसरी शादी के विषय में अपने जेठ और उनके पुत्रों को क्या जवाब देती। वह दूसरी शादी के लिए वह कहती है कि कोई भी मतलब बिल्ली नहीं है, वह दूसरे घर नहीं जाएगी बल्कि उन्हीं की छाती पर होरा भूनेगी और राज करेगी, इस प्रकार से उसका कहना था। प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा भक्तिन किस तरह चारित्रिक विशेषता का पता चलता है, वह बहुत परिश्रमी स्वाभिमानी और आदर्श नारी थी। भक्तिन को उसके जेठ और जेठौतों पर क्रोध क्यों आया, उन्होंने भक्तिन को दूसरी शादी कर घर बसाने के लिए कहा था ताकि वह उसकी संपत्ति पर अधिकार कर सके। भक्ति को उनकी चाल का पता चल गया, इसलिए उसे क्रोध आया। अपमानित बालिका ने होंठ काटकर लहू क्यों निकाल लिया। भक्तिन के जेठौत का साला उसकी अनुपस्थिति में घर में घुसाया, उसने कहा कि वह भक्तिन की लड़की के निमंत्रण घर पर भीतर गया था, इस पंचायत हुई और पंचायत में पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दिया। भक्तिन की लड़की ने इसे अपमान समझा, इसी कारण उसने ओंठ काटकर लहू निकाल लिया। पंचायत में फैसला किसके पक्ष में हुआ, क्यों पंचायत में फैसला भक्तिन के विपक्ष में हुआ, क्योंकि पंचायत ने इसका मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया, उसके अनुसार इसका दोष परिमार्जन वे दोनों पति पत्नी के रूप में ही रहकर कर सकते थे, इसके अलावा वे सब उसके जेठ और जेठौतों के पक्ष के ही आदमी थे। भक्तिन के दामाद के साथ संबंध सुखकर क्यों नहीं हुए, क्योंकि भक्तिन के दामाद के साथ सुखकर इसलिए नहीं थे संबंध क्योंकि वह निश्चिंत होकर उनकी संपत्ति से मौज मस्ती करता था और उसकी बेटी विवश होकर क्रोध से जलती थी। भक्तिन के परिवार में आपसी द्वेष का परिणाम क्या हुआ, भक्तिन परिवार में आपसी द्वेष का परिणाम यह हुआ कि उसके सामने आर्थिक संकट आ गया और लगान अदा करने की भी भारी हो गई। लगान न चुका पाने का भक्तिन को क्या सजा हुई, लगान न चुका पाने के कारण भक्तिन को जमींदार ने दिन भर कड़ी धूप में क्या रखा, खड़ा रखा। भक्तिन को किस कारण सारगर्भित लेक्चर देना पड़ा, भक्तिन ने रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में जला दी थी, इसके अतिरिक्त उसने दाल भी बहुत गाढ़ी बना दी थी, लेखिका को इस प्रकार का भोजन पसंद नहीं आया, इसी कारण उसके उत्तर स्वरूप भक्तिन को सारगर्भित लेक्चर देना पड़ा। भक्तिन
ने स्वयं की पाक कुशलता के संदर्भ में लेखिका से क्या कहा? भक्तिन ने स्वयं की पाक कुशलता के संदर्भ में कहा कि वह अनाड़िन या फूहड़ नहीं है, उसकी ससुराल में सभी उसके बनाए भोजन की क्या करते हैं, प्रशंसा किया करते थे। भक्तिन द्वारा दिए गए तर्कों का लेखिका पर क्या प्रभाव हुआ? भक्तिन द्वारा दिए गए तर्कों का लेखिका पर यह प्रभाव पड़ा कि वह रूखी दाल से ही एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाट से यूनिवर्सिटी पहुंची। लेखिका ने भक्तिन के कहने पर भी गुड़ और घी से खाना क्यों नहीं खाया? लेखिका को मीठे से विरक्ति तथा घी से आरुचि थी, इसलिए उस भक्तिन के कहने पर भी गुड़ और घी से बना जो खाना था वह उन्होंने नहीं खाया। किसने नहीं खाया? लेखिका ने नहीं खाया। चलिए, भक्तिन किस कार्य को अपनी हीनता स्वीकार करना मानती थी? भक्तिन लेखिका को हर हाल में सहायता देना चाहती थी। यदि वह स्वयं लेखिका को सहायता नहीं दे सके, इसे अपनी हीनता स्वीकार करना मानती थी। फिर है, भक्तिन लेखिका को कमरे के द्वार पर, जो भक्तिन है वह लेखिका के कमरे के द्वार पर क्यों बैठती थी? भक्तिन लेखिका के कमरे के द्वार पर कुछ काम बताने का आग्रह करने के लिए बैठती थी, ताकि वो हमको कुछ काम बताएं और मैं उनका कुछ काम कर सकूं, इसलिए वह वहां पर बैठती थी। फिर है, भक्तिन लेखिका की किस प्रकार सहायता करती थी? भक्तिन लेखिका के लिए कभी पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर सहायता पहुंचाती थी। इस प्रकार जो भक्तिन थी वो लेखिका की किसी ना किसी रूप में वो क्या करना चाहती थी? सहायता करना चाहती थी। चलिए, लेखिका भक्तिन के विषय में क्या जानती है? लेखिका भक्तिन के विषय में जानती है कि वह किसी भी प्रकार से उसकी सहायता करने को उत्सुक रहती है। जब दूसरा कोई भी उसका हाथ बटाने या बांटने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से बुद्धिमान होना किस आधार पर सिद्ध होता है? अन्य व्यक्ति लेखिका की उत्तर पुस्तकों और चित्रों के विषय में समझते थे कि वे ऐसे कामों में हाथ नहीं बटा सकते, किंतु जो भक्तिन थी, भक्तिन ने अपनी सहायता करने की इच्छा को क्रियात्मक रूप देकर दिखा दिया। इसी कारण उसका अन्य व्यक्तियों से बुद्धिमान होना सिद्ध होता है। लेखिका के अनुसार भक्तिन को नौकर कहना किस प्रकार असंगत है? लेखिका के अनुसार भक्ति को नौकर कहना उसी प्रकार असंगत है जिस प्रकार घर में आने जाने वाले अंधेरे प्रकाश और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना असंगत है। इस प्रकार से जो लेखिका है कि वो उसको नौकर नहीं, मतलब असंगत है उसको, लेखिका के अनुसार भक्तिन को नौकर कहना असंगत है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेखिका इच्छा होने पर भी भक्तिन को अपनी सेवा से क्यों नहीं हटा सकी? लेखिका और भक्तिन के संबंध में स्वामी सेवक के ना रहकर आत्मीय संबंध हो गए थे, यानी जो लेखिका है वो बहुत आत्मा से भक्तिन को बहुत मानती थी और भक्तिन भी लेखिका के प्रति पूर्णतः समर्पित थी। लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम भक्तिन के कारण ही उद्घाटित होते चलते थे। लेखिका स्वयं लेखिका उसे अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानती थी, इसी कारण वह इच्छा ना होने पर भी भक्तिन को अपनी सेवा से नहीं हटा पाई। इसलिए जो लेखिका है, क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व का अंश मानती थी, बहुत ज्यादा आत्मीय संबंध होने के कारण वो उसको नहीं हटा पाई। गद्यांश के से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द छांटे, जो दिया है आसान कहना निरर्थक परतन, तो आसान का क्या आएगा? कठिन निरर्थक सार्थक, कहना सुनना परतंत्र स्वतंत्र, ठीक है ना।
ये जो दिए हैं गद्यांश इमली के शब्दों के विलोम शब्द, तो इनका इसमें दिया हुआ है, एक बार मैं पुनः पढ़ रही हूँ, आसान कठिन निरर्थक सार्थक कहना सुनना परतन स्वतन। अब मैं भक्तिन जेल से किस प्रकार डरती थी? भक्तिन जेल से यमलोक के समान डरती थी। किसके समान? यमलोक के समान। वह उसकी ऊंची दीवार देखते ही आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती थी। भक्तिन की कमजोरी क्या थी? लोग उसका किस प्रकार इस्तेमाल करते थे? भक्तिन जेल से बुरी तरह डरती थी, उसकी यह कमजोरी थी, लोग उसको इस कमजोरी को मनोरंजन के रूप में लेते थे। जो उसकी कमजोरी थी, तो वो क्या थी कि वह जेल से डरती थी, इसलिए लोग उसकी कमजोरी को मनोरंजन के रूप में लेते थे। और लेवे लेखिका के जेल जाने की संभावना बताकर उसको चिढ़ाते रहते थे इस प्रकार। चलिए, भक्तिन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था? भक्तिन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वह प्रत्येक परिस्थिति में लेखिका के साथ रहना चाहती थी। मतलब कोई भी परिस्थितियां हो, वह लेखिका के साथ क्या करना चाहती थी? रहना चाहती थी। इस प्रकार से जो भक्तिन थी, वह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। लेखिका के जेल जाने के बारे में जानकर भक्तिन उससे क्या पूछती थी? लेखिका के जेल जाने के बारे में जानकर भक्तिन उससे क्या पूछती थी? लेखिका के जेल जाने के बारे में जानकर भक्तिन उससे पूछती थी कि वह अपनी कितनी धोतियां साबुन से साफ कर ले तथा वहां ले जाने के लिए क्या क्या सामान बांध ले। लेखिका के जेल जाने के बारे में जानकर भक्तिन उससे पूछती थी कि वह अपनी कितनी धोतियां साबुन से साफ कर ले और वह वहां ले जाने के लिए क्या क्या सामान बांध ले। चलिए, अब देखिए बच्चों, जो हमने आपको पढ़ाया, जो हमने सार तत्व पढ़ाया था, उससे जो आपने अर्थ ग्रहण किया था, तो मैंने उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको समझाए थे। अब जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न उत्तर है ना, अभ्यास पाठ के साथ जो प्रश्न उत्तर है, उनको मैं आपको पढ़ा रही हूँ और समझा रही हूँ। जैसे दिया है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी था। लक्ष्मी शब्द समृद्धि का सूचक, किंतु लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी, इसी कारण वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम स्वयं लेखिका यानी महादेवी वर्मा जी ने दिया, क्योंकि वह मोटी धोती पहने हुए, गले में कंठी माला धारण की हुई थी, साथ ही वह सिर मुंडाए हुए और बैरागी भक्तिन जैसी दिखाई देती थी। दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठाने द्वारा घृणा उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं और से अक्सर यह धारणा चलती कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? यह सत्य है कि अधिकतर स्त्रियां अपने आसपास रहने वाली स्त्रियों की समृद्धि से ईर्ष्या करती हैं। वे समाज में स्वयं को श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण सिद्ध करना चाहती हैं। वे ये समझती हैं कि उनकी श्रेष्ठता दूसरी स्त्रियों के तिरस्कार पर ही निर्भर रहती है। मतलब निर्भर करती है कि वो जो उनका अपमान करेगी तो उनका शायद सम्मान बढ़ेगा। इस कारण वह प्रत्येक इस प्रकार के विषयों को ही चर्चा का केंद्र बना डालती है। दूसरी तरफ आज का समाज पितृ सत्तात्मक पुत्र को ही वंश का संचालक मानता है। इस कारण लड़कियों को जन्म लेने के समय शोक सा प्रकट होता है और लड़कों के पैदा होने से बधाइयां दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त आज समाज का एक वर्ग लड़कियों के जन्म के लिए स्त्रियों को ही दोषी मानता है। इसी कारण स्त्रियों में पुत्र की चाहत बलवती हो जाती है और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ होती है तो स्त्रियों में घृणा और उपेक्षा का पात्र बन जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना दुर्घटना भर नहीं था, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानव अधिकार यानी विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे वो कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? देखिए, आधुनिक नारी सामाजिक संक्रमण के चौराहे पर खड़ी है। उसे परिवार और समाज के अनेक ऐसे फैसलों के सामने नतमस्तक होने को विवश होना पड़ता है, जिसके कारण उसका जीवन भी बुरी तरीके से नष्ट हो जाता है। आज भी नारी को विवाह के लिए सामाजिक निर्णयों की ओर मुंह ताकना पड़ता है। इसी कारण भारतीय नारी को सच्चा और अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पाता। अच्छा जीवन साथी यदि मिल भी जाए तो जातिवाद, समाजवाद, दहेज रूपी दीवारें उन्हें मिलने नहीं देती। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा?
भक्तिन में सादगी सरलता स्वामी भक्ति आदि अनेक गुण थे, किंतु इसके साथ इसमें एक अवगुण भी था कि वह सदा सत्य नहीं बोलती थी, एक इधर उधर बड़े पैसे रुपये बिना पूछे। अच्छी है या कहना कठिन है क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखन ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भक्तिन में सादगी सरलता स्वामी भक्ति आदि अनेक गुण तो थे, किंतु उसके साथ उसमें एक गुण अवगुण ऐसा भी था कि वह हमेशा सत्य नहीं बोलती थी। लेखक के इधर उधर पड़े पैसों रुपयों को भी वह उससे पूछे बिना ही उठा लेती थी और अपने पास रख लेती थी। लेखिका जब उससे पूछती तो वह तर्क वितर्क करती, कोई उसे चोरी मानने से इनकार करती। इस कारण लेखिका ने मतलब ये कहा कि भाई कहीं ना कहीं वो उसमें एक अवगुण भी है। फिर भक्ति द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? तो लेखिका को स्त्रियों का सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा, किंतु उसने शास्त्र का उदाहरण देते हुए कहा कि तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, अर्थात जो सिद्ध लोग हैं सिर मुड़वाकर तीर्थ करने गए। यही उदाहरण लेखिका ने भक्ति द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने के लिए दिया है। तो फिर है कि भक्ति के आ जाने के बाद महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्ति के आ जाने के बाद महादेवी वर्मा जी को देहात की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा का ज्ञान क्या हो गया था और इससे पहले वह केवल शहरी जीवन से ही जुड़ी हुई थी। इसके साथ ही भक्ति ने ऐसी परिस्थितियां भी पैदा कर देती थी कि वह देहाती परंपराएं तक निभाने को बाध्य हो जाती थी। इस प्रकार भक्ति के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई थी। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर जो पाठ है भक्ति महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित, उसके जो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर हैं जो अपन ने सार समझा, उसके जो संबंधित प्रश्न उनको समझा, और आपके पाठ में बेटा जो पाठ दिए हैं प्रश्न उत्तर उनको भी आपको पढ़ाया और समझाया। आप अपने रजिस्टर में इसको बहुत अच्छे से लिखते जाएं और पढ़ते जाएं बेटा, और पाठ को जरूर पढ़ें और उसके सार को पढ़ें और प्रश्नोत्तरों को भी पढ़ें, लिखें, याद करें। धन्यवाद बच्चों।